हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पुराने वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा था घर पे वाइट वॉश होने के टाइम पे मैंने अपने घर को किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करा है, कैसे उसे डेकोरेट करा है। आज के वीडियो में अपने इस छोटे से सरकारी नॉन मॉड्यूलर किचन को मैं किस तरीके से डेकोरेट कर रही हूँ वो शेयर कर रही हूँ, और आप लोगों को इतने सारे आइडियाज़ मिलेंगे कि आपका भी नॉन मॉड्यूलर किचन बिल्कुल इसी तरीके से सुंदर बन सकता है। काम करने में तो बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग से वीडियो को। किचन के मेकओवर को मैं कुछ पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ। सबसे पहले आती है क्लीनिंग। अगर आपका किचन बिल्कुल वाइट वॉश हुआ है तो आप लोगों को पता ही है वहाँ पे थोड़ी सी क्लीनिंग ज़्यादा जाएगी। टाइल्स वगैरह पे गिर जाता है तो उसे प्रॉपरली आप लोगों को हटाना पड़ेगा। तो इस तरीके से पूरा जो टाइल सेक्शन था, जो भी चीज़ें उसके ऊपर लगी थी, उसे मैंने हटाया है और सारी चीज़ों को अच्छे से क्लीन कर करके मैं डाइनिंग रूम में रख के आ गई थी। मतलब किचन मुझे पूरा खाली चाहिए था, काउंटर टॉप खाली चाहिए था, जैसे कि एक बिल्कुल ब्लैंक कैनवस होता है वैसे ही। सेकेंड पार्ट आता है रिपेयरिंग का। तो यहाँ पे आप लोगों को पता ही है सब कुछ आपको नहीं मिलता है और हर चीज़ की फिटिंग भी पॉसिबल नहीं है, तो मैंने थोड़े से यहाँ पे जुगाड़ करके जो वायर्स मुझे लगा उन्हें मैंने ठीक कर दिया। थर्ड स्टेप आता है ऑर्गेनाइजेशन। अब आप लोगों को किस तरीके से अपने किचन को ऑर्गेनाइज़ करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहें तो पूरा काउंटर टॉप भर सकते हैं और आप चाहें तो उसी काउंटर टॉप को मिनिमम लुक के साथ भी डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने अपना पुराना ये 3-tier रैक यूज़ करा है, जो कि मेरा इतना फेवरेट है कि आप लोग भी समझ गए होंगे कि मुझे ये कितना पसंद है। ये जो आप टी एन शुगर कंटेनर देख रहे हैं ये मैंने वेबसाइट से परचेज़ करे थे, ऑनलाइन भी आप लोगों को साइट से मिल जाएंगे। इसके अंदर मैं सेटअप कर रही हूँ एक टी स्टेशन कॉर्नर। कॉफ़ी थोड़ी कम पीती हूँ पर टी कुछ ज़्यादा ही चलती है हमारे घर पे। तो उससे रिलेटेड सारा सामान मैंने यहाँ पे लगाया है। इलायची, अदरक या फिर मसाले कूटने वाला या फिर अदरक कूटने वाला, ये सारी चीज़ें जो भी ज़रूरत की थी वो मैंने यहाँ रखी हैं। उसके बाद मैंने एक और वाइट ऑर्गेनाइज़र का यूज़ करा है और इसे मैं इस बार सेटअप कर रही हूँ एक मिनी मसाला या स्नैक्स कॉर्नर कह सकते हैं। नीचे वाले एरिया के अंदर मैंने सारे मसाले रखे हैं जो कि मुझे बिल्कुल डेली चाहिए होते हैं। जब मैं परांठे बनाती हूँ या बेबू का किसी भी तरीके के मैं स्नैक्स आइटम बना के देती हूँ तो ये सब कुछ मुझे चाहिए। लेबल मैंने खुद ही बनाए हैं और कुछ को तो मैंने पैकेट के साथ ही कट करके सेलो टेप से लगा लिया था। स्नैक्स बच्चों के थोड़े बहुत तो चलते रहते हैं, मैं थोड़ा सा डाइट पे ही रहती हूँ। तो यहाँ पे मैंने दो बिल्कुल सेम जार यूज़ करे हैं जो कि बहुत ही अच्छे लगते हैं जब आप अपने किचन को डेकोरेट करते हैं। ट्राई कीजिए कि सेम टाइप के जार्स आप यूज़ करें। उन्हें मैंने इस तरीके से अरेंज करा है ऊपर वाले शेल्फ पे। ये जो वाइट रैक है ये मुझे काफ़ी पसंद है क्योंकि स्पेशियस है। मतलब जितना अमाउंट आप लोगों ने स्पेंड करा है उतना ही आपको ये वर्थ इट भी लगेगा। नीचे की तरफ मैं रख रही हूँ ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स को क्योंकि जब मैंने पहले उन्हें रखा हुआ था अपनी स्लैब्स के अंदर तो मैं कंज्यूम ही नहीं कर पाती थी, इस बार मैंने ट्राई करा है उन्हें बिल्कुल अपनी आंखों के सामने रखूं। कलर्स को ऐड करने के लिए आप लोग कप्स का यूज़ कीजिएगा। मैंने यहाँ छोटे छोटे से कप्स हैं जो कि मैंने डीमार्ट से परचेज करे थे और ये 19 रुपीज़ के थे, उनसे ही इसको डेकोरेट करा है। उसके बाद मैंने यूज़ करा है एक छोटा सा वुडन डेकोर आइटम जिसे मैंने कई तरीक़ों से अपने लिविंग रूम में डेकोरेट करा है। आप लोगों के साथ बहुत सारे आइडियाज़ भी शेयर करे हैं पर इस बार मैंने इसे अपने किचन में यूज़ करा है। इसको हम बनाएंगे एक ऑयल, घी और स्पून एंड फॉक स्टेशन। तो यहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें रखी हैं, बहुत ही क्यूट और बहुत ही एक जो कलर थीम है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ब्राउन है, वाइट है, तो जब वाइब्रेंट कलर्स आप लोग ऐड करते हैं ना अपने किचन में तो आपका किचन बिना कोई DIY के भी बहुत ही सुंदर लगता है। ये वाला सेक्शन है हमारा माइक्रोवेव का। मैं बहुत ज़्यादा बेकिंग वगैरह नहीं कर पाती हूँ क्योंकि वीडियोस भी शूट करनी होती हैं, एडिट करनी होती है, तो इतना ज़्यादा टाइम ही नहीं मिलता है मुझे। और बहुत ज़्यादा हम लोग माइक्रोवेव के अंदर रीहीट करा हुआ खाना भी खाना प्रेफर नहीं करते हैं, इसीलिए समझ लीजिए ये 15 दिन या 1 महीने में 1 या 2 बार ही चलता है। इसके ऊपर मैंने ये मैट लगाया है जो कि अगेन मैंने बहुत ही सस्ता सा परचेज करा था within 60 रुपीज़। और उसके ऊपर मैं ये ट्रे लगा रही हूँ। अच्छा है स्टिकर इसके साथ ही है और ये 99 रुपीज़ की मैं लाई थी, बहुत ही अच्छी लगती है वाइट कलर की। अगर आपको कोई भी ऐसी ट्रे या फिर बास्केट मिलती है ना तो आप लोग ज़रूर उसे ऐड कीजिएगा अपने किचन में।
उसके ऊपर मैंने अपनी केटल रखी है, कुछ मग्स रखे हैं और इस तरीके से ये वाला कॉर्नर मैं आप लोगों के साथ आगे शेयर करूंगी। एक मैंने ग्लास जग लिया है और इसके अंदर मैं सारे वुडन स्पैचुला रखूंगी जो कि बहुत ही अच्छा और क्लासी लुक देगा मेरे किचन को। अब बात आती है कप्स को डेकोरेट करने की, तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये इस तरीके का कप ऑर्गेनाइज़र। ये आप लोग भी अमेज़ॉन से परचेज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है, बहुत टाइम से मैं इसे यूज़ करती आ रही हूँ। यहाँ पे अगेन मैंने कुछ कलरफुल कप्स को ऐड करा है जिससे मेरा ये वाला कॉर्नर भी बहुत अच्छे से ऑक्यूपाइड हो गया और किचन के अंदर काफ़ी जगह निकल जाती है जब आप चीज़ों को हैंग करते हैं। ये वाला मुझे एज इट इज़ लगा हुआ मिला था पहले से ही किचन में, बस इसके अंदर मैंने नेल्स लगा दी हैं और इसके अंदर भी हम लोग कुछ कप्स को ही ऐड कर देंगे। स्पेशली मैंने यहाँ पे वाइट कलर्स को ही चूज़ करा है कप्स का, क्योंकि वो फिर डिस्टिंग्विश करता है बाकी कलरफुल कप्स के साथ, तो बहुत ही अच्छा लगता है फिर आपका किचन। अब बारी आती है डेकोरेशन की। किचन को डेकोरेट करना मुझे तो पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं अपने किचन को इस तरीके से डेकोरेट करती हूँ कि वो फंक्शनल भी रहे, क्योंकि मुझे यहाँ पे खाना भी बनाना होता है और वो भी बहुत जल्दी जल्दी। जब बच्चों के 3 लंच आपको पैक करने पड़ते हैं तो आप समझ सकते हैं हम वहाँ पे कितनी स्पीड में होते हैं। तो इसीलिए अपने किचन को मैं डेकोरेट भी करूँगी और उसे फंक्शनल भी बनाऊँगी, इस बात का मैंने हमेशा ध्यान रखा है। यहाँ पे मैंने कुछ प्रिंटआउट्स निकाले थे जो कि बहुत ही कलरफुल और बहुत ही प्यारे थे। उसके बाद मैंने एक कार्डबोर्ड बॉक्स लिया है, उसे कट करा है उसकी साइज़ का और जो हमारे इलेक्ट्रिकल टेप आते हैं उन्हीं का यूज़ करा है और इसके मैंने इस तरीके से बॉर्डर बना दिए हैं जो कि एक फ्रेम का लुक देगा। आगे मैं कंप्लीट आप लोगों को ये दिखाऊंगी कि किस तरीके से लग रहा है मेरे टाइल एरिया पे लगने के बाद। उसके बाद हम कुछ फ्रेम्स ऐड करेंगे जो कि अगेन जो खाली वॉल्स थी उसको भरने का काम करेगा और देखने में जो लुक है आपके किचन का वो बहुत ही अच्छा आता है। ये एक लकड़ी का फट्टा था जो कि हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा बच गया था जब हम लोगों ने कारपेंटर से काम करवाया था, तो उसी के अंदर मैंने 4 ड्रिल से होल करे थे और इस तरीके का ये जो मैक्रमे थ्रेड आता है उसे यूज़ करके मैंने बांधा था। पर क्योंकि ये थ्रेड कुछ ज़्यादा ही लंबा था और अब जिस जगह मैं इसे लगा रही हूँ वहाँ पर मुझे इसकी हाइट थोड़ी कम चाहिए थी, तो मैंने यहाँ गांठें थोड़ी ज़्यादा लगा दी हैं उसी के अकॉर्डिंग। किचन के अंदर मैंने कुछ चीज़ों को हैंग भी करा है जो कि यूज़ में भी आती रहेंगी, दिखने में भी अच्छी लगेंगी। उसके बाद किचन के अंदर कर्टेन इसलिए लगा रही हूँ, फर्स्ट क्योंकि प्राइवेसी चाहिए होती है, सेकंड धूप बहुत ज़्यादा आती है और जब शूट करते हैं तो बिल्कुल वो ब्लैक हो जाता था इसीलिए। और बाकी आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा, गैस मेरा बहुत आगे रहता है उस कर्टेन से, पर देखने में अच्छे लगते हैं। और ये कर्टेन मैंने पुरानी बेडशीट से बनाए थे, पुरानी वीडियोज़ में आप लोगों को मिल जाएगा किस तरीके से बनाए गए थे। तो अब देख लेते हैं एक बिफोर लुक। ये है मेरे किचन का आफ्टर लुक जो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने के बाद, और बहुत सारे मैंने यहाँ पे मेथड ट्राई करे जिससे मैं अपने किचन को खाली भी रख पाऊँ, मेरा किचन मुझे स्पेशियस भी लगे, मेरा किचन मुझे डेकोरेटेड भी लगे, तो अब ये एंड रिज़ल्ट आता है मेरे किचन का। स्टार्ट करते हैं सबसे कोने से। यहाँ पे मेरा माइक्रोवेव है, माइक्रोवेव के ऊपर ये मैंने ट्रे रखी है, इसके ऊपर मेरी केटल है, टिश्यू पेपर्स हैं और मैंने 2 कॉफ़ी मग्स रखे हैं, या फिर आप इसके अंदर जो भी ड्रिंक्स बनाते हैं मॉर्निंग की वो भी डाल सकते हैं। डेकोरेट करने के लिए मैंने ये आर्टिफिशियल प्लांटर यहाँ लगाया है। इस तरफ मैंने ये माइक्रोवेव के यूज़ में आने वाली चीज़ें हैंग कर दी हैं।
उसके साथ ही ये जो बास्केट थी हैंगिंग, इसके अंदर इस बार मैंने अपने किचन से रिलेटेड सारे टाल रख दिए हैं, जो भी मुझे कपड़े ज़रूरी लगते हैं वो सब इसके अंदर हैं। और डेकोरेट करने के लिए अगेन मैंने यहाँ पे एक आर्टिफिशियल प्लांट का यूज़ करा है। ये है मेरा छोटा सा टी एंड कॉफ़ी स्टेशन, बहुत ही क्यूट लग रहा है। सारी चीज़ें आ गई हैं, अब किसी भी स्लैब में मुझे जाना ही नहीं पड़ेगा, चाय बनाने के टाइम पे सब कुछ यहीं पे मिल जाएगा। और ये जो वुडन स्पैचुला है, ये देखने में जितने खूबसूरत हैं उतना ही खूबसूरत लुक आपके किचन को भी देते हैं, इसलिए मैंने इन्हें इस तरीके के ग्लास जग में रखा है। कुछ फ्रेम्स को मैंने ऐड कर दिया था इस वॉल पे, और जो हमने अभी DIY फ्रेम्स बनाए थे उन्हें मैंने डबल साइडेड टेप की हेल्प से इस तरीके से लगा दिया है। ये है मेरा छोटा सा स्नैक्स और मसाला स्टेशन, बहुत ही क्यूट है। और ये है हमारा ऑयल एंड घी स्टेशन, जहाँ पे वो सारी चीज़ें हैं जो डेली आप लोगों को चाहिए और किसी भी स्लैब में अब आपको जाना ही नहीं पड़ेगा। सिंक एरिया को मैंने थोड़ा सा बिल्कुल क्लीन रखा है, जो चीज़ें ज़रूरत की थी सिर्फ वही रखी हैं, और साथ में मैंने एक प्लांट ऐड करा है, क्योंकि ग्रीनरी आपके किचन में होना बहुत ज़रूरी है और ये ऐसे प्लांट्स हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए विद लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम दैट मिस्टिक रन, टेक केयर एंड बाय-बाय।